का सबसे बड़ा ऑपरेशन था 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। रॉ की मदद से मुक्ति वाहिनी की स्थापना की गई थी, जिसने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में दुश्मनों पर लगातार हमला किया। बाद में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराया, जिसे बांग्लादेश के नाम से आप जानते हैं। 1999 देखिए, करगिल युद्ध के बाद पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ और चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज के बीच बातचीत को भी रॉ ने रिकॉर्ड किया। और उस वक्त मुशर्रफ चीन की यात्रा पर थे और ये इतनी खुफिया जानकारी थी जिसकी मदद से पाकिस्तान की पूरी साजिश का पता चल गया। कमी लोग जानते हैं कि 1998 में पोखरण के परमाणु परीक्षण की पूरी गोपनीयता और कामयाबी से करने में भी रॉ का ही सहयोग। इसके अलावा रॉ ने पाकिस्तान की परमाणु प्रयोगशाला कहूटा का भी पता लगाया और पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी भी दी थी। बात जासूसी की हो रही है तो देशहित में आपसे एक सवाल पूछना जरूरी है, क्या आप भारत के सबसे बड़े जासूस का नाम जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आपको रूबरू कराते हैं देश के सबसे बड़े जासूस। यहाँ उनका नाम था रविंद्र कौशिक। उन्हें भारत का सबसे बड़ा खुफिया एजेंट कहा जाता है। रविंद्र कौशिक महज 23 वर्ष की उम्र में रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में शामिल हो गए थे। कौशिक को एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट था, इसी वजह से रॉ ने उन्हें एजेंट बनाकर पाकिस्तान भेज दिया। उन्हें नबी अहमद शाकिर के नाम से पाकिस्तान भेजा गया। पाकिस्तान में रविंद्र कौशिक ने कराची यूनिवर्सिटी में LLB की पढ़ाई भी की। बाद में वो पाकिस्तानी आर्मी में कमीशन ऑफिसर बन गए। रविंद्र ने अमानत नाम की पाकिस्तानी लड़की से शादी की, दोनों की एक बेटी भी हुई। पाकिस्तानी सेना में तरक्की करते हुए रविंद्र कौशिक मेजर भी बन गए। कौशिक 1979 से 1983 तक सेना को पाकिस्तान से अहम जानकारियां भेजते रहे। इंदिरा गांधी ने उन्हें ब्लैक टाइगर का टाइटल दिया। 1983 में एक और रॉ एजेंट उनसे मिलने पाकिस्तान गया, वो पकड़ा गया। उसी ने रविंद्र कौशिक का राज भी खोल दिया, जिसके बाद उन्हें कैद में रखा गया और खूब टॉर्चर किया गया। 16 साल कैद में रहने के बाद नवंबर 2001 में रविंद्र कौशिक की मौत हो गई।